एक गांव में एक धनिया नाम का व्यक्ति रहता था जो बहुत ही निर्धन था। उसके पास एक गाय थी। उसी गांव में एक बाबा जी रहते थे जो बहुत ही चमत्कारी बाबा जी थे। धनिया कहता है, बाबा जी आप हमें ऐसा कुछ दीजिए जिससे हमारे घर में धन आ जाए। और धनिया वहां से चला जाता है। जब धनिया अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर में एक रुपए का पेड़ आ गया है, जिसको देखकर धनिया और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। वो लोग इतने खुशी से पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं, अरे बाबा जी का शुक्रिया जो बाबा जी ने मुझे इतना बड़ा पेड़ दे दिया। रुपए तोड़ते ही वो पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है और धनिया फिर से दुखी हो जाता है। फिर धनिया देखता है कि एक छोटा सा पेड़ उसके बगीचे में लगा हुआ है। धनिया पूरे गांव वालों के पास जाता है और उनको सबको यह बात बताता है तो गांव वाले बहुत ही आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है धनिया, जादू वाला पेड़ और रुपए वाला पेड़, ये तो हमने पहली बार ही सुना है, ऐसा कहीं हो सकता है। फिर एक गांव का व्यक्ति उसके घर के बाहर उसकी खिड़की से देखता है कि सच में धनिया के घर में एक पेड़ था। फिर धनिया अपने खेत पे जाकर हल चलाने लगता है। वह अपने खेत पे जाके बहुत सारा काम करता है। तब तक उसकी एक पड़ोस में जो व्यक्ति रहते थे वो एक जादूगर चुड़ैल के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या धनिया जो कह रहा है वो सच है? तब तक वो चुड़ैल धनिया के बेटे को मार देती है। वो एक रूप लड़की का रूप लेके आती है और धनिया को वहाँ से गायब कर देती है। तब तक एक गांव में चाचा जी रहते थे। वो धनिया से कहते हैं, इस गांव में क्या चल रहा है? और धनिया की पत्नी कहती है, जाओ देख के आओ कि तुम्हारा छोटा भाई अभी तक क्यों नहीं आया है। फिर धनिया फिर से उन बाबा जी के पास जाता है और उनसे कहता है, बाबा जी मेरा पुत्र नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है, आप कैसे भी करके मुझे उसे मिला दीजिए। फिर बाबा जी कहते हैं, जा बेटा तू अपने घर जा, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे घर अपने आप ही आ जाएगा। फिर धनिया घर चला जाता है। उसके बाद की कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।